हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A33 मोबाइल में स्विच गेस्चर नेविगेशन को कैसे ऑन करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आपके मोबाइल में की बटन आइकन शो कर रहा है और अगर आप चाहते हैं स्विच गेस्चर यानी कि दोस्तों गेस्चर नेविगेशन को चलाना दोस्तों शो करते हैं तो आप कैसे उसको सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और जैसे ही मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जनरल मेजरमेंट का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा नीचे आ जाना है आपको, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आपको नेविगेशन बार पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको नीचे स्विप गेस्चर का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्विप गेस्चर का देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे चलाना है वो आपको शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्विप इस तरह से साइड में स्विप करना है, इधर भी साइड में स्विप करके बैक कर सकते हैं और डायरेक्ट करना है तो बीच से ऊपर की ओर स्लाइड करना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको स्विप गेस्चर पे टिक करना है और टिक करने के बाद दोस्तों आपका ये नेविगेशन स्विप गेस्चर के रूप में काम करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बटन यानी कि दोस्तों कीज गायब हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे स्विप गेस्चर चलने लगा है। तो दोस्तों अब इस तरह से आप गेस्चर नेविगेशन को सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप की वीडियो से सही जानकारी मिली हो, प्लीज वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलते रहेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।